सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं धरिंदर सिंह की वन इंडस्ट्रीज हेड ऑफिस लुधियाना की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो खास आपके लिए है क्योंकि आज हम एग्रीकल्चर में एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आए हैं कि जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है, जिसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है और हर जगह पर इस प्रोडक्ट के जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। दोस्तों, इस प्रोडक्ट के बारे में जानने से पहले कुछ जो जरूरी बातें हैं उनके बारे में हम आज यहाँ पे बात करने आए हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं मैन्योर की। ये मैन्योर क्या होता है? देखिए, मैन्योर एक ऐसा ऑर्गेनिक मैटर है जिसे कि हम फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। अगर हम मैन्योर की बात करें तो देखिए, होता क्या है कि मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद हैं तो जो न्यूट्रिएंट्स हमारी फसल के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं तो वो बैक्टीरिया उन न्यूट्रिएंट्स को जकड़ के रखते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, जकड़ के रखते हैं, बाहर आने नहीं देते हैं। जिस वजह से फिर जैसे हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, सभी जानते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मैन्योर की, देखिए दो प्रकार के मैन्योर होते हैं, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर, जैसे कि जो मैन्योर का जो सोर्स होता है वो बिल्कुल नेचुरल होता है, जैसे कि कैटल से हो गया या प्लांट से हो गया, जैसे कि गाय के गोबर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सभी जो चीजें आती हैं वो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर के अंदर आती हैं। और दोस्तों, अगर हम दूसरे मैन्योर की बात करें तो वो है कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। ये जो कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर होता है, इनमें जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा होती है वो ऑर्गेनिक मैन्योर से बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल केक, एडिबल ऑयल केक, तो ये सभी जो इसकी एग्जाम्पल्स के तौर पर आती हैं। और दोस्तों, इसीलिए कीवा इंडस्ट्रीज आपके लिए जो नया एग्रो ऑर्गेनिक मैन्योर लेके आया है वो कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर के ऊपर ही बेस्ड है कि जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा है वो बहुत अच्छी तादाद में मौजूद है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसलिए आपके सामने आज हम पेश कर रहे हैं हमारा न्यू एग्रो ऑर्गेनिक मैन्योर। और आइए आज इस प्रोडक्ट के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि इसमें क्या चीज़ मौजूद है। देखिए, एनपीके हम सभी जानते हैं, लेकिन मैग्नीशियम सल्फेट और एनपीके इसका कॉम्बिनेशन हमने एग्रो ऑर्गेनिक मैन्योर के अंदर यहाँ पे आपके सामने पेश किया है। एनपीके जैसे कि हम सभी जानते हैं, यहाँ पे अगर बात करें N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस और K फॉर हम यहाँ पे पोटेशियम को लेके चलते होते हैं, तो इसमें हमने कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सी चीज़ है। अब ये काम कैसे करते हैं? देखिए, सिंपल सी चीज़ है, काम करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। जो मैग्नीशियम सल्फेट है ये फोटोसिंथेसिस के ऊपर काम करता है, यानी कि जिसको कि हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। देखिए, पौधे के अंदर जो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, सनलाइट की मदद से ये उस कार्बन डाइऑक्साइड और जो पानी है उसको पौधे का खाना बनाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रोसेस को प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। दूसरे पे आ जाता है हमारा नाइट्रोजन, तो जो नाइट्रोजन है ये पौधे की ग्रोथ में बहुत मददगार साबित होता है। तो दोस्तों, जो नाइट्रोजन का मेन काम होता है कि ये जो पत्ते होते हैं उनकी ग्रोथ में और पत्तों में जो हरा रंग होता है उसको वहाँ पे मेंटेन रखने में ये बहुत मददगार साबित होता है। दूसरा आ जाता है फास्फोरस। फास्फोरस का काम होता है कि ये जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होते हैं, जो फल होते हैं, फूल होते हैं, उनकी ग्रोथ में इसका बहुत ही मेजर रोल है। और तीसरे पे आ जाता है पोटाशियम। पोटाशियम बेसिकली पौधे की इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है, ताकि पौधे की ग्रोथ अच्छी हो सके और वो बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो सके। तो दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है कि ये काम किस तरीके से करता है, हमें इसके बारे में पता चल चुका है। आइए अब हम इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। सिंपल से बेनिफिट्स हैं, आप किसी को भी आसानी से बता सकते हैं। जैसे कि पहला कि ये रूट्स के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, रूट्स की ग्रोथ में ये बहुत मददगार साबित होता है। दूसरी चीज़, पत्तों के ऊपर, ताकि पत्तों का जो साइज है वो अच्छा बन सके और पत्तों में जो हरा रंग है उस वो मेंटेन रह सके, यानी कि क्लोरोफिल की मात्रा को वहाँ पे वो मेंटेन करने का काम करता है। उसके बाद आ जाता है कि ये पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर, जैसे कि जो सीड्स हो गया, जो फल हो गए, जो फूल हो गए, जो भी पौधे के ऊपर लग रहे हैं, और पौधे की इम्यूनिटी को वहाँ पे बढ़ाने का काम करता है। तो ये कुछ मेन जो बेनिफिट्स हैं दोस्तों, इनको हम आसानी से यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, याद रख सकते हैं और किसी को भी आप आसानी से बता सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट में इसकी डोसेज की, कि इसकी जो डोसेज है वो कितना कितना हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं।
दोस्तों अगर हम कायको ऑर्गेनिक मैन्योर का अगर हम डायरेक्टली पत्तों के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉलियर एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो बिल्कुल सिंपल सी डोज है 500 ग्राम कायको ऑर्गेनिक मैन्योर को एक एकड़ में अगर आप इन्हें इस्तेमाल करना है तो 135 से 150 लीटर पानी में आप इसको मिक्स करके एक एकड़ के खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो सिंपल सी डोसेज है इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, एक एकड़ में 500 ग्राम कायको एग्रो ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर बेटर रिजल्ट। और इसको आप किसी भी फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड के साथ मिलकर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं फसल के अनुसार किस फसल में कितना आपको एग्रो ऑर्गेनिक मैन्योर इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बारे में जो डिटेल है आपको स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। इसमें जो डिटेल बताई गई है वो हेक्टेयर के हिसाब से बताई गई है, लगभग 2.5 एकड़ के जो खेत हैं, राइट। तो एक तरफ आपको यहाँ पे फसल दिखाई दे रही है, एक तरफ आपको यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैन्योर है कितना इस्तेमाल करना है उसमें आपको ये बताया गया है। जैसे कि दोस्तों एक तरफ आपको यहाँ पे फसल बताया जा रहा है, दूसरा कि कितनी डोज आपने, कितने किलो एग्रो ऑर्गेनिक मैन्योर आपने एक हेक्टेयर में आपने इस्तेमाल करना है। जैसे कि अगर फ्रूट्स हैं, ग्रेप, सिट्रस, पोमीग्रेनेट, जैसे अंगूर हो गया, नींबू वगैरह हो गया या अनार वगैरह हो गया, तो 3 से लेकर 5 किलो तक जो एग्रो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टी यानी कि अगर चाय के बगान हैं तो एक हेक्टेयर में 2 किलो आप एग्रो ऑर्गेनिक मैन्योर इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉफ़ी यंग प्लांट, कॉफ़ी का प्लांट है, एक हेक्टेयर में 1 से 2 किलो। राइस है, वीट है, चावल और गेहूं में एक हेक्टेयर में 2 किलो यानी कि लगभग 2.5 एकड़ में आप 2 किलो तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पाइनएप्पल है, एक हेक्टेयर में 2 किलो। कॉटन है, सनफ्लावर है, राइट, कपास है यानी कि और सनफ्लावर है, तो 3 से लेकर 5 किलो तक एक हेक्टेयर में। अगर आलू की खेती कर रहे हैं, पोटैटो है, 1 से लेकर 3 किलो तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बनाना है 2 किलो तक एक हेक्टेयर में इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर केन, अगर गन्ना है 2 किलो एक हेक्टेयर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर यंग प्लांट हैं, छोटे पौधे हैं, तो 1 किलो एक हेक्टेयर में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल सी डोसेज है और किस फसल में कितना आपको एग्रो ऑर्गेनिक मैन्योर इस्तेमाल करना चाहिए उसके बारे में भी आपको यहाँ पे डिटेल में बता चुके हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके से हम और बहुत सारी वीडियोस आपके लिए यहाँ पे लेके आते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। जल्द ही मिलेंगे आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।